हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट की सीरीज में आपका स्वागत है। बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम आपके सामने आए हैं भैया। बहुत अच्छे प्रश्न लेके आए हैं। कम समय में अधिक क्वेश्चन और अधिक डाटा एकत्र करते हैं हम लोग, तो बहुत कम समय में छोटा सा वीडियो होता, जानकारी बहुत ज्यादा होती है। आइए चलते हैं आज की करंट की इस क्लास में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रेडियो अच। क्या लिखा है भैया? रेडियो अच। ये क्या है? एक रेडियो का नाम है जिसका नाम क्या है? रेडियो अच है। यह क्या है? भारत का पहला रेडियो चैनल। लेकिन किसके लिए? दृष्टिबाधित। दृष्टिबाधित जो लोग हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, उनके लिए बनाया गया। यह भारत का पहला दृष्टिबाधित रेडियो चैनल कौन होगा? रेडियो अच होगा। एग्जाम में पूछा जाएगा भारत का पहला दृष्टिबाधित रेडियो चैनल का नाम क्या होगा बच्चा? तो रेडियो अच है। क्या नाम है? रेडियो अच। इसकी शुरुआत कहां पर हुई भैया? तो नागपुर। नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र। नागपुर कहां पर है बच्चा? लिख लेना, महाराष्ट्र में है। कौन भैया? नागपुर। और बात किया जाए महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र जो है बच्चा, या मुंबई शहर की बात करें तो आपसे पूछा जाएगा मुंबई शहर किस द्वीप पर बसा है। तो आप कमेंट करके हमको जवाब दो भैया कि मुंबई द्वीप जो है, मुंबई जो देश है, किस द्वीप पर बसा हुआ है। तो आपको बताना कमेंट करके। और एलिफेंटा द्वीप भी कहां है? मुंबई में। यह हम बताए थे, कमेंट करके बताओ मुंबई शहर किस द्वीप पर बसा हुआ है। चलते भैया आगे बात करते हैं। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, है ना। तो ब्रेल लिपि का नाम सुने होंगे। जो लोग क्या होते हैं, दृष्टिबाधित होते हैं, उनके लिए एक लिपि है जिसका नाम क्या है? ब्रेल लिपि। और ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहला रेडियो चैनल का नाम क्या होगा बच्चा? रेडियो अच होगा। क्या नाम होगा? रेडियो अच होगा। दिमाग में एकदम फिट कर लो, रेडियो अच क्या है? तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए क्या है? रेडियो चैनल है। कौन भैया? रेडियो अच। कहां से शुरू हुआ? नागपुर। नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र। कहां है? महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। एक क्या है भैया? समुद्री तटीय महोत्सव। समुद्र के किनारे एक समुद्र जो होते हैं बच्चा, समुद्र के किनारे क्या मनाया गया? एक महोत्सव मनाया गया, तो उसको क्या बोलेंगे? समुद्री तटीय महोत्सव, जिसका नाम क्या है भैया? ICPOD। क्या नाम है? ICPOD 2022। पूछा जाएगा ICPOD क्या है? तो समुद्री तटीय महोत्सव है, है ना। ICPOD क्या है? तो समुद्री तटीय महोत्सव है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण क्या है भैया? पर्यटन को बढ़ावा देना। मतलब इस महोत्सव को देखने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे, जिससे क्या होगा भैया? पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये कहां मनाया गया? तो ये मनाया गया बच्चा पांडुचेरी। कहां मनाया गया है? पांडुचेरी। पांडुचेरी एक भारत का क्या है बच्चा? केंद्र शासित प्रदेश है। पांडुचेरी क्या है? भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसी जगह लिख लेना। पांडुचेरी के बारे में बात करें तो पांडुचेरी में 4 जिले हैं, लेकिन पांडुचेरी का विस्तार 3 राज्यों में है। जैसे हम बात करें यहां पर क्या है? केरल। कौन है? केरल। एक राज्य कौन है? केरल। इधर तमिलनाडु है और इधर क्या है? आंध्र प्रदेश। कभी पूछा जाए पांडुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में है, तो 3 राज्यों में है। केरल में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है। लेकिन यहां से बात करें पांडुचेरी में जिले कितने हैं, तो पांडुचेरी 4 जिले हैं। कितने जिले? कितने हैं? 4 हैं। और कितने राज्यों में है? तो 3 राज्यों में। जिलों की बात करें तो केरल की तरफ से कौन है बच्चा? माहे। कौन है? माहे। एग्जाम में पूछा जाता है भारत का सबसे छोटा जिला कौन है? माहे। और माहे किसका है? पांडुचेरी का है। केरल ना कर देना, माहे किसका होगा? पांडुचेरी का होगा। भारत का सबसे छोटा जिला किसका है भैया? पांडुचेरी का। नाम क्या है? माहे। और भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है बच्चा? तो बता देना, गुजरात का कच्छ है। गुजरात का कच्छ सबसे बड़ा जिला है, और सबसे छोटा कौन है? माहे। और माहे के बाद बात करें, माहे एक हो गया। इधर तमिलनाडु की तरफ आओगे तो पांडुचेरी खुद एक कहां पर है? तमिलनाडु की तरफ है। और भैया इसके अलावा कराईकल। कौन है? कराईकल। तो पांडुचेरी, कराईकल, माहे, 3 हो गए। और इधर आंध्र प्रदेश आओगे तो यनम। क्या नाम है? यनम। तो आंध्र प्रदेश की तरफ क्या हो जाएगा? यनम। पांडुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में? तो 3 राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। पांडुचेरी कितने जिलों से मिलकर बना? 4 जिले हैं। कौन कौन है? माहे है, कराईकल है, पांडुचेरी है और यनम है। कौन है? यनम है। क्लियर हो गया होगा।
पांडिचेरी के भैया सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, रंगास्वामी जी हैं, और एलजी यहां पर क्या होते हैं, एलजी होते हैं, गवर्नर के स्थान पर एलजी होते हैं भैया। तो यहां के एलजी कौन है, तमिल सुंदरम राजन, है ना, तमिल सुंदरम राजन का नाम सुने होंगे ये है भैया। और 1954 में फ्रांसीसियों से आजाद हुआ पांडिचेरी, कब स्वतंत्र हुआ तो 1954 में फ्रांसीसियों से आजाद हुआ। गोवा कब आजाद हुआ तो पुर्तगालियों से 1961 में गोवा आजाद हुआ था, याद रखना भैया। तो फ्रांसीसियों से स्वतंत्र कौन हुआ, पांडिचेरी, एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये क्या था, आईसीपोडी महोत्सव कहां मनाया गया है बच्चा, पांडिचेरी, उद्देश्य क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देना। तो आईसी पांडिचेरी भैया याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और ये बहुत चर्चा में है भैया, साइक्लोपियन क्या है भैया, साइक्लोपियन एक दीवार है, साइक्लोपियन एक क्या है, दीवार है। और ये दीवार आज की नहीं है कि आज बन गई है, बहुत पुरानी दीवार है। ये कहां है तो बिहार के राजगीर में, कहां पर है भैया, बिहार के राजगीर, है ना, बिहार के राजगीर में स्थित है। और ये दीवार बनाने का मुख्य उद्देश्य था मगध साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। ये दीवार जो बनाई गई थी बच्चा, मगध साम्राज्य की सुरक्षा हेतु तो इसका निर्माण किया गया था। इसकी लंबाई कितनी है, 40 किलोमीटर है, इसकी लंबाई कितनी है, 40 किलोमीटर है बच्चा। और ये कितनी पुरानी है तो 2500 वर्ष पुरानी, आज के नहीं कि आज हम बना के चले आए, 2500 वर्ष पुरानी है। कौन सी दीवार है बच्चा, तो इसका नाम क्या है, साइक्लोपियन दीवार। और इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल करने का निर्णय लिया है, विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का निर्णय लिया, इसलिए चर्चा में आ गए। और इस समय भैया यूनेस्को विश्व धरोहर में कितने स्थानों को शामिल किया है बच्चा, तो 40 स्थान है, कितने हैं, 40 है। और 40 में बटे कैसे हैं तो आपको बता देना है भैया, लगभग 32 स्थल जो है सांस्कृतिक है, और 7 आपके क्या है बच्चा, हाँ 7 स्थल क्या है भैया, 7 आपके क्या है, प्राकृतिक है, और 1 मिश्रित है, मिश्रित साइड है, जिसका नाम है कंचनजंगा, सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी। तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है, 40 स्थल क्या है भैया, 40 स्थान ऐसे हैं जो विश्व विरासत सूची में यूनेस्को की शामिल है भारत के। तो उसे में शामिल करने का निर्णय लिया गया, प्रस्तावित हुआ है कौन, साइक्लोपियन दीवार, कौन है, साइक्लोपियन दीवार, मगध साम्राज्य से जुड़ी हुई, बिहार राज्य से है, कहां है तो बिहार राज्य, है ना, राज्य याद रखना। चलते हैं पुस्तकों की ओर, पुस्तकें एक दो बता दें इंपॉर्टेंट जो है, कह रहा है संविधान संस्कृति और राष्ट्र, है ना, संस्कृति संविधान और राष्ट्र, ये भैया पुस्तक है, ये पुस्तक है, किसकी है तो कलराज मिश्र की है। कलराज मिश्र कहां के, राजस्थान के गवर्नर है, राजस्थान के गवर्नर है कौन भैया, कलराज मिश्र, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, संविधान संस्कृति और राष्ट्र। और इस पुस्तक का विमोचन करने भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब गए थे, तो इसका विमोचन किसने किया, तो उपराष्ट्रपति महोदय ने किया, एग्जाम में आएगा, और बता देना भैया आपने किसने किया, उपराष्ट्रपति महोदय ने। ओ उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसका वेतन कितना होता है, उपराष्ट्रपति के लिए 0 वेतन मिलता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य होने के कारण, सभापति होने के कारण इसे 4 लाख रुपया मिलता है बच्चा, याद रखना। तो उपराष्ट्रपति साहब ने इनकी पुस्तक का क्या किया है, विमोचन किया है। विश्व धरोहर दिवस, देखो एग्जाम में आ गया, विश्व धरोहर दिवस के बारे में बात किया जाए, कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। देखो यहीं से जुड़ा हुआ प्रश्न वहां पर आ गया, है ना, इसकी शुरुआत कब हुई भैया, तो 1883 से हुई, धरोहर दिवस की शुरुआत कब से हुई, 1883 से हुई। और बात किया जाए इसकी थीम क्या है, धरोहर और पर्यावरण, मतलब धरोहरों को सुरक्षित रखना है और उसके साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना, इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है बच्चा। तो विश्व धरोहर दिवस क्या होगा, इसकी थीम धरोहर और पर्यावरण। भारत में विश्व धरोहर कितने हैं, 40 है, और इनको देखता कौन है, यूनेस्को, संस्था का नाम क्या होगा, यूनेस्को होगा बच्चा, अभी हमने आपको बताया यूनेस्को होगा, है ना। सबसे पहले बात किया जाए तो एलोरा अजंता की गुफाओं को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, आगरा का ताजमहल भी सबसे पहले शामिल हुआ था, तो ये सब साथ में शामिल हुए थे, कब भैया, 1983 में ही। तो कब से शुरुआत हुई, 18 अप्रैल 1983 से, क्लियर हुआ, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगली पुस्तक की बात करता हूं, बड़ी अच्छी पुस्तक है, द बॉय हु रूट ए कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, द बॉय हु रूट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये पुस्तक किसकी है, तो भैया राजेश तलवार की है।
किसकी है? राजेश तलवार साहब की है। और ये पुस्तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बचपन की जीवनी के बारे में बताएगी। बाबा साहब का जीवन बचपन में कैसा बीता, कितना कष्टकारी था, ये सब बताएगी। और ये सब पुस्तकें कब आई हैं भैया? क्योंकि आपको पता है 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई गई। और कौन से नंबर की जयंती थी? तो 131वीं जयंती। कौन सी थी? 131वीं जयंती मनाई गई। तो ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करते रहिए, चैनल का विस्तार करते रहिए। अब आपको साइंस की भी सीरीज मिलती रहेगी और करंट की भी मिलती रहेगी। सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।